लिंक रो रूंडी से तागी टाटरी वाया जडोथा का कार्य शुरू करवाने और लिल से प्रीना दुनाली से ब्रई तथा चूड़ी से राड़ी बस सेवा शुरू न होने के विरोध में क्षेत्र के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला परिषद ललित ठाकुर की अध्यक्षता में उपायुक्त चंबा से मिला। इस दौरान उनके द्वारा इस बारे एक ज्ञापन पत्र भी उपायुक्त चंबा को सौंपा गया। जिला परिषद किलोर वार्ड ललित ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र के लोग पिछले काफी समय से इन मांगों को लेकर संघर्षरत है, अतः इस बार भी उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया तो 15 अगस्त को क्षेत्र के लोग प्राचीन वाद्य यंत्रों के साथ थाली पिटो आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। डीसी साहब को मिलने आए हैं आज हम, मेरे साथ ग्राम पंचायत सुनारा विधानसभा क्षेत्र ब्रह्मौर का एक प्रतिनिधि मंडल भी आया है। आज हमारे डीसी साहब को जो हम मांग लेके आए हैं, एक सुनारा पंचायत में रुंगड़ी से तागी टाटरी बाया जड़ौथा सड़क मार्ग का शिलान्यास वर्ष 2017 में किया गया था। लोक निर्माण विभाग मंडल ब्रह्मौर द्वारा ये शिलान्यास कराया गया था। उसके पश्चात लगभग 150 मीटर सड़क की कटिंग का कार्य हुआ और काम बंद कर दिया। ग्रामीण लगातार कई बार लिखित रूप से लोक निर्माण कार्यालय मंडल के पास ब्रह्मौर और सब डिवीजन राग के पास लिखित अनुरोध करते रहे। विधायक महोदय के पास भी लोग कई बार जा चुके हैं, लेकिन विभाग के कान पर जू तक नहीं रेंगी। आज तक इस सड़क का काम बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों को अति परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों को पीठ पर लाके मरीजों को, गर्भवती महिलाओं को पालकी में लेकर सड़क मार्ग तक पहुँचाना पड़ता है। कई बार निवेदन करने के पश्चात भी जब काम शुरू नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने ये फैसला लिया कि आज अंतिम बार डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया जाए कि 15 अगस्त 2021 से पहले इस सड़क का काम शुरू ना किया गया लोक निर्माण विभाग ब्रह्मौर मंडल द्वारा, तो 15 अगस्त 2021 को जिस दिन आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा होगा, उस दिन हमें मजबूर होके, क्योंकि आज़ादी के दिन कोई आंदोलन नहीं करना चाहता, लेकिन ग्रामीणों ने ये मजबूरन में फैसला लिया कि आज़ादी वाले दिन हम जिला मुख्यालय चंबा में प्राचीन वाद्य यंत्रों के साथ थाली पीटो आंदोलन करेंगे, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग पूरी तरह उत्तरदायी होगा। दूसरा हमारा मुद्दा था, हमने 14 जून 2021 को डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में हमने लिखा था कि दुनाली से ब्रई, लील से प्रीणा और चूड़ी से राड़ी। लील से प्रीणा वर्ष 2000 में उद्घाटन किया गया माननीय विधायक द्वारा। दुनाली से ब्रई वर्ष 2018 में माननीय विधायक द्वारा बस का उद्घाटन किया गया, लेकिन बसें नहीं चली। लोग मांग करते रहे कि उद्घाटन किया है तो बसें भी चलाइए, लेकिन ये उद्घाटन रूपी वाहवाही लूटने के लिए मात्र ये उद्घाटन होते रहे और लोगों का को उसका कोई लाभ नहीं मिला। तो 14 जून को हमने डी साहब को लिखा था कि परिवहन विभाग द्वारा इन रूटों पर बसें चलाई जाए, अन्यथा हम एक माह के पश्चात आंदोलन करेंगे। एक माह हमारा 15 जुलाई को पूरा हो चुका है, बरसात का मौसम था इसलिए हमने थोड़ा इंतज़ार किया और विभाग को भी मौका दिया कि विभाग कुछ कार्रवाई करेगा, लेकिन आज तक बसें नहीं चली। तो हमने ये भी फैसला लिया है कि 15 अगस्त से पहले इन रूटों पर बसें नहीं चलाई गई, तो इस दिन इन मुद्दों को लेकर भी 15 अगस्त को ही जिला मुख्यालय में आंदोलन किया जाएगा। तीसरी हमारी मांग है कि चंबा से कुंडी बाया सुनारा जो HRTC की बस जाती है, वो कुछ समय के लिए चली थी कुछ माह पहले और फिर उसको बंद कर दिया गया है। हमारी आज ये भी मांग है कि इस बस को भी निरंतर सुचारू रूप से कुंडी तक चलाया जाए, क्योंकि प्राइवेट बसें जाती हैं तो आज सरकारी क्यों नहीं जाती, ये क्यों बहानेबाजी लगाते हैं। तो जितने भी हमारे मुद्दे हैं, हमने सामूहिक रूप से ये फैसला लिया है कि 15 अगस्त से पहले इन मुद्दों को हल ना किया गया तो सभी मुद्दों को लेकर हम जिला मुख्यालय में प्राचीन वाद्य यंत्रों में, जिसमें रणसिंगे भी होंगे, शहनाई भी होगी, ढोलक भी होंगे, और इस बार कुछ ढोलक ज़्यादा होंगे पिछली बार की अपेक्षा, और थाली पीटो आंदोलन, ये हमारा पूरा, हम 0 पॉइंट पर मोहर चौक से चलेंगे, पूरा बाजार का चक्कर काट के जहाँ पे तिरंगा फहराया जाएगा, जो भी गणमान्य व्यक्ति मुख्य अतिथि उस दिन होंगे उनके मंच के सामने हम उसका समापन करेंगे। वहाँ तक इस आंदोलन को, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए उनके जो मुख्य अतिथि होंगे उस दिन आज़ादी वाले दिन 15 अगस्त वाले दिन, वहाँ तक हम इस आंदोलन को लेके जाएंगे। ये आंदोलन तो उस मुद्दे को भी होगा, क्योंकि हमने बहुत समय दे दिया है, हमें ये सारे मुद्दे हल चाहिए, हद हो गई। अब तो लोगों का इतना परेशानी लोगों को हो रही है, पानी सर से ऊपर जा चुका है,
मतलब यदि तीनों समस्याओं का समाधान न हुआ तो आंदोलन निश्चित है। निश्चित है और हर हालत में होके रहेगा। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।